विधानसभा चुनाव के नजरिए से बरेली के बिथरी चैनपुर विधानसभा सीट हमेशा से ही महत्वपूर्ण विधानसभा के रूप में देखी जा रही है। ऐसे में तमाम पार्टियां इस विधानसभा से मजबूत कैंडिडेट्स की खोजबीन में लग जाती हैं। इस खोजबीन में सपा सबसे आगे खड़ी नजर आ रही है। बिथरी के मजबूत राजनीतिक घराने और बसपा के पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह गंगवार के भाई देवेंद्र सिंह गंगवार ने बसपा को छोड़कर सपा का दामन थाम लिया है। अब उनको बिथरी विधानसभा से सपा की ओर से सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। अगर बात करें देवेंद्र सिंह के पिछले राजनीतिक कार्यकाल के बारे में तो सन 2000 में जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत, 2005 में क्षेत्र पंचायत, 2006 में ज्येष्ठ उप प्रमुख, 2009 में जिला सहकारी बैंक डायरेक्टर, 2010 में क्षेत्र पंचायत चुनाव एवं ब्लॉक प्रमुख, 2015 में क्षेत्र पंचायत सदस्य और 2016 में ब्लॉक प्रमुख प्रभारी ब्लॉक प्रमुख रहे। शानदार राजनीतिक करियर को देखते हुए पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से भी उनके लिए अच्छे संकेत मिल रहे हैं। हाँ, वैसे जानना चाहेंगे, आपने लंबा समय बीएसपी में बिताया, अब आप सभा में ज्वाइन किया है, कारण क्या था कि आपने बसपा छोड़ दी? बहुजन समाज पार्टी किसानों के मुद्दे पर बिल्कुल मूक हो गई है। ये किसानों हितैषी ना होकर के भारतीय जनता पार्टी हितैषी हो गई है और कॉर्पोरेट घरानों की हितैषी हो गई है, इसलिए हमने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ा है। अच्छा, अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई तो किन बातों को लेकर मुलाकात हुई और आपका टिकट का क्या उन्होंने आश्वासन दिया? टिकट की हमने मानी राष्ट्रीय अध्यक्ष से कोई बात नहीं की, हमने कहा हम समाजवादी पार्टी में आस्था व्यक्त करते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा हम आपको आई ज्वाइन करा देंगे और आपके परिवार को, आपको हम जानते हैं और आपको आई ज्वाइन करा देंगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 19 जनवरी को हमको समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलवाई। अच्छा, क्या बैकग्राउंड रहा है आपका अब तक, सिनेरियो जो है आपका चुनाव तमाम, आप कितनी बार अब तक जीते हैं और किस किस में आपने विजय प्राप्त करी है? हम अब तक जितने चुनाव हैं सभी चुनाव हम जीते हैं, अब तक हम 9 चुनाव जीत चुके हैं, 4 बार 6 बार सदस्य बने हैं, बैंक के डायरेक्टर बने हैं जिला सहकारी बैंक के, और सबसे पहले हम सदस्य जिला पंचायत बने हैं, 2 बार ब्लॉक में बने हैं, 1 बार प्रभारी ब्लॉक में भी रहे हैं। कुल मिलाकर के हम जितने चुनाव हैं सभी चुनाव विजय प्राप्त हुई है, और बड़े भाई हमारे 10 साल विधायक रहे हैं, हमारी भाभी 10 साल प्रमुख रही हैं और 5 साल अध्यक्ष जिला पंचायत रही हैं। हमने लगातार पिछले 21 वर्षों से जनता की सेवा कर रहे हैं और लोगों के सुख और दुख में जा रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान किया है, हर तरह की समस्या समाधान किया है। अखिलेश जी ने क्या, जो आप पहली बार उनसे मिले आपने क्या कहा उनसे और उनने आपसे क्या कहा? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति हैं और विकास के बारे में सोचते हैं, विकास की बात करते हैं, उन्होंने बहुत विकास किया है पूरे उत्तर प्रदेश में और हमें बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान लगे और इसीलिए हमने जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष समाजवादी पार्टी की। आगामी चुनाव पर किस तरह से देखते हैं आप? आगामी चुनाव में निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी न रोजगार दे पाई, न किसानों को सम्मान दे पाई, न किसानों का आमदनी दुगनी कर पाई है, न किसी को 15 लाख रुपए दे पाई है और 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का वादा किया, नौकरी देना तो लग रहा और नौकरी चली गई इनके कार्यकाल में। गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? गैस और पेट्रोलियम के दाम लगातार इसलिए बढ़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। सारा पैसा जो है टैक्स के रूप में 33 रुपये 35 रुपये पेट्रोलियम पर वसूल कर रही है और जबकि मूल रेट उसका जो 27-28 रुपये है, भारत के आसपास जितने देश हैं सभी देशों में पेट्रोलियम रेट कम है और जिससे जनता की कमर टूट रही है, इसका जवाब जनता यूएन के लिए 2022 चुनाव में देगी। बॉबी वर्मा के साथ बरेली से ऋषिपाल गंगवार की रिपोर्ट।